जब जब आपके डायरेक्टर ने आपको फोन किया आप डर गए सर मैं उठ गया मैं मैं हुआ था टैन कर रहा था टावल <laughs> क्या हो गया तो तो आदित्य चोपड़ा क्या करेंगे अरे बॉस पहला तो वही आएगा कि अली अब्बास ने फोन किया अभी तक आदित्य फोन नहीं कैसे नजरें मिलाऊंगा हीरो फुल रिलैक्स है फुल टेंशन आफ्टर वन डे ऑफ शूटिंग एंड देन आफ्टर वन सी एंड देन मैं वो अभी कॉल करूं नहीं वो ठीक है शाम को शूटिंग है ठीक है मैं शाम को सॉरी मतलब मैं पूरी ना तरह ना से फफला गया अली ने ऑब्वियसली संभाल लिया होगा संभाल लिया होगा कि आप आ जाओ विल टॉक अबाउट इट आई सेड जस्ट कम टुडे एंड आई प्रॉमिस यू इट विल बी फाइन जस्ट वन डे मोर कम एंड अगर ये माफ नहीं करती तो आपने सोचा था ऑल्टरनेटिव Uh, सही, सही, <laughs> नहीं नहीं करियर का मैं 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 ये ये जाती सोचने लगा शायद शायद दूसरा हीरो नहीं रहे में. <laughs> 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 ये सोलो हीरो रहेगा में सोलो हीरो, हाँ, मैं सोलो था शायद गुंडा रखना पड़ेगा <laughs> 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 बर्तन <laughs> <laughs> प्रियंका आपने मतलब ऐसे ही धमकी देने के लिए ये कहा था कि It was what I felt was a little insulted at that point. That I You know, there's, a, there's, there's something a space you need. for from every our, actor, I guess. Every but, actor yeah. needs to give something to another. So I was very angry that time when I left. Then Ali called me, spoke to me, calmed me down, and he said, Listen, stuff happened. Just come mm -hmm. on set mm -hmm. one more day. Mm -hmm. It'll all be fine, whatever. And I really loved the film. So I came and I said, We'll <laughs> have a con. There's nothing. I've worked with a lot of crazy people doing a lot of crazy things. So, you can handle stuff. <laughs> <coughs> <laughs> Baba, और प्रियंका आपको कोई इंडिविजुअल सीन्स मिलते हैं इन दोनों के साथ आप लोगों का एकदम जॉइंट रोमांस ही होता है हमारा जॉइंट नरेशन हुआ था और मेरा ये वैसी नहीं है वैसी तो एक्चुअली <laughs> ये टाइटल गुंडे हैं आप दोनों गुंडे हैं या ये सबसे बड़ी गुंडी है जो आपको नहीं पता होने देती की उनके बारे में ये क्या फील कर रही है और उनको नहीं पता होने देती की आपके बारे में क्या फील कर रही है इज शी दुंडी कैन यू रिपीट दि

अली पला पड़ा है हम दोनों भी उसी टा की फिल्म पे पले बढ़े जब बचपन में सोचा था यार एक्टर बनना है तो वो सारी चीजें जो सोच के रखी थी कि यार जब एक्टर बनेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वो सारा कीड़ा अब गुंडे में करने को भागना के ऊपर एक्शन हमारे ke... मैं आपको सच बताऊं इंट्रो जब अली ने नरेट किया ना दोनों हीरोज का बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नरेट किया उसने उस really? उसने कहा स्लो मोशन में दो लड़के कैमरा की तरफ भाग रहे हैं एंड देन जस्ट द फीट और फिर हाथ

ये हैं दोस्त लेकिन भाई से बढ़कर है दे लाइक ब्लड ब्रदर्स दे वुड गिव देयर लाइफ फॉर इच अदर तो इट इट वुड टू हैव अ डिसऑनेस्ट अप्रोच कि यार ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है इट वुड बी सेल्फ डिफीटिंग क्योंकि वी आर ट्राइंग टू टेल द स्टोरी दैट बेसिस इट ऑन दिस लव रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्लड छिड़कते हैं जी

I mean, it has entertaining parts in it, of course. You know, hmm. when they're wooing me, and they become. It's really funny because Kolkata is the biggest gunde, and they suddenly become like these little <laughs> puppies. <laughs> and it's it's. है तो बिना माँबाप के बच्चे. Actually, तो <laughs> कोई <laughs> upbringing है नहीं उनकी. They're self-made people. तो जब mm. uh, attitude है तो attitude है because they are, they brought up on the streets. So mm. they they don't they have that arrogance that they're self-made. और जब प्यार होता है तो पहली बार होता है. तो समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है. तो वो सारा वो सब जाके. like, like yeah. puppies Haan, No, that's na. the beauty of it because they are these you know bad boys and then suddenly they become and that's when the drama starts so that basically the film genre is a drama okay it's, I think the insecurity would have come in if if we didn't want to work together or if the roles were not divided the way they are mm -hmm. it's a very well written film uh, going back to I think the germ

Is the most obvious casting because okay, mm -hmm. personalities, which are in characters, it's completely opposite to what they are playing. Okay. So, like, uh, like Vikram is this, which is Ranveer's character, is this, you know, stereotypical, you know, somebody who thinks and is not impulsive. He's not impulsive, you know, And doesn't get like, you know, he's angry. He's street he smart, thinks, he's a smart kid. kid. He can figure stuff out, yeah. which is actually, Arjun. Mm -hmm. and Bala's character is, you know, he loses his mind really quickly. He's impulsive. He does spontaneous. He's he bubbles over, which is exactly him. So mm -hmm. they, it's like. I'm volatile in the film, mm -hmm. which yeah. actually is mm -hmm. not the case in the real life. Mm -hmm. he, he is he's impulsive by nature as a person, mm -hmm. but so in the film, bought But again, Completely. that's that's the good part about casting. You push mm -hmm. the envelope for actors also. No? When mm -hmm. you're entering a film, mm -hmm. why be in a comfort zone? And Ali prompted us to make us realize to think one step ahead. He's thinking of in the future. By the time Lutera comes, mm -hmm. by the time Ram Leela comes, by the time Aurangzebatiya too, the, the audience wants to see different stuff from you, not exactly. not your comfort space. And what is the the sense of discovery for an audience and yourself also. So, uh, it was casted in keeping us in mind, uh, mm. which is tremendous for two actors to be able to give in such clear roles to do. They knew why they wanted us to do the opposite. So, when a producer has that confidence, a director has that confidence, they're giving us the mounting to be able, also to be able to get to get to do a film with a with a person like Priyanka. Eventually, you get to you're moving ahead also as an actor working with very very big stars. It, it's a good move ahead. So, why be insecure about small things in life? वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ पिक्चर अच्छी होगी तो सब सबके लिए अच्छा है यू मेक अ गुड फिल्म एंड आई हैव फन डूइंग इट दैट्स द मोस्ट वी वुडंट बी एबल टू हैव फन अगर हम ये सोचने लग जाते यार वो क्यों है अच्छा उसने एक पांच एक्स्ट्रा क्यों मारा अच्छा उसका डायलॉग नहीं मैं बोलूंगा मतलब यहां पे होता था अच्छा तू बोलेगा अच्छा चल तू बोल दे मैं बोल दूं अच्छा साथ में बोलते चल दे बिकेम अ यूनिट आई थिंक इन इन द फिल्म व्हिच वाज आई मीन आई हैव डन टू हीरो फिल्म्स बिफोर एंड आई कीप सेइंग दिस इन एवरी इंटरव्यू दैट आई हैव दैट आई डू दैट

गॉगल्स गॉगल वो तो जो गॉगल्स मुझे पसंद आते थे वो, वो तो ही को आते को पसंद आते थे, आते थे। <laughs> दो दिल एक पसंद <laughs> तो उस चीज पे हमारी थोड़ी इतना नहीं, नहीं, नहीं मेरा मेरा मैं नहीं, मैं, मैं, नहीं, मैं, नहीं, मैं, नहीं, मैं इतना क्लेश कि आप इसको वो कर रहे हैं आप इसको वो कर रहे हैं तो घंटियां दिल में बजी फिर मंदिर की भी घंटी बजाई कभी भगवान का सहारा लेना पड़ा कि मैं जीत जाऊं या मैं जीत जाऊं आई एम रिलीजियस इन द फिल्म